सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, सभी सेफ होंगे। तो अभी अपने पीछे खड़ी है यामा की R15M और सभी के बारे में बात करने वाला हूं। यहां पे S भी खड़ा है, यहां पे वर्जन 4 भी खड़ा है, वहां पे डार्क नाइट वाला भी है। तो प्राइस मैं आपको सभी को बता दूंगा, स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कंपेयर वाली वीडियो जो है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, तो मैं इन तीनों गाड़ियों को कंपेयर भी कर दूंगा। अभी अपन बात करने वाले हैं यामा R15M के बारे में, बताऊंगा आपको इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या फीचर लेके आती है, और अभी 2023 में इसको परचेज करना, 2024 आने वाला है। बहुत सारी नई नई बाइक्स में नई नई चीज़ें लॉन्च होंगी, अभी नए नए फीचर्स लॉन्च होंगे। KTM ने तो ऑलरेडी ड्यूक 390 लॉन्च भी कर दी नई वाली अपनी, तो पर्टिकुलर इस बाइक को परचेज करना वर्थ है नहीं, सभी बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा मजेदार, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। पसंद तो लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर कर दें सभी दोस्तों, लाल कलर का सब्सक्राइब और सुनी दबाया, उसमें गुस्सा हमारे मुकर पर तब जाना चाहिए। स्टार्ट करते इस वीडियो को और देखते रहिए आर्य व्लॉग्स। ये खड़ी है अपने सामने यामा की R15M, जो पर्टिकुलर अभी R15 में जो टॉप बिल्कुल टॉप नॉच वेरिएंट आता है, पर्टिकुलर वाला वेरिएंट अभी अपने सामने खड़ा। तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो एक यार लुक जो निकल के आता है ना बाइक का, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया था, बिल्कुल चेंज हुआ था। मस्त लगती है, एकदम अमेजिंग बाइक लगती है। आपको LED RL देखने को मिल जाता है, यहाँ पे LED प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा, जिसकी जो लाइट का थ्रो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आपको नाइट में विजन में कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। तो ओवरऑल जो फ्रंट से लुक है और जो लाइटिंग, आपको लाइटिंग देखने को मिलती है, प्रॉपर देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी लाइटिंग आपको इसमें देखने को मिल जाने वाली है। आगे चलिए अगर मैं बात करूँ फ्रंट टायर के बारे में, तो आपको 180 सेक्शन का 17 इंचेस का आपको इसमें टायर देखने को मिल जाता है। पाइपरी के ब्रेक्स के साथ ही आता है, डोल चैन लेवी सब कुछ बाइक में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा रखा है, ग्रे और ब्लू का, जो ब्लू कोर इंजन होता है तो ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वही डोल चैन लेवी के साथ बाइक आती है। आपको इसके अंदर USD फोक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। आपको जो कॉर्नर स्टेबिलिटी काफ़ी अमेजिंग प्रोवाइड हो जाने वाली है। इवन आपको इसके अंदर रेडियल टायर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अगर उसको कॉर्नर्स पे भी लेके जाओगे तो कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। MRF का जैपर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी जो है पहले से बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दी है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है। जो अभी VS6 वाला वर्जन आया था, तब जो पूरा ये चेंज हुआ था इस बाइक के अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज कर दी थी, और जो बिल्ड क्वालिटी थी एकदम टॉप नॉच कर दी थी यामा ने। आगे चल के अगर मैं बात करूँ इसके हर्ट यानी कि बाइक के इंजन के बारे में, तो आप 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC 4-वॉल इंजन का देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर कंवर्ट करता है 18.6 PS की, और आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है 14.1 न्यूटन मीटर का, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। और इसके अंदर VVA टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, यानी कि जब एक आपकी बाइक जो है आपका इंजन जो है एक पर्टिकुलर RPM पर पहुंचेगा, तब VVA जो है आपका ऑन हो जाता है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बाइक होती है वो एक्स्ट्रा पावर आपको फील होगी जब आप उसको राइड करोगे। इवन आपको इसके अंदर क्विक शिफ्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पता है क्या काम करता है। अगर आप एक असली राइडर हो तो आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो क्विक शिफ्टर जो है कैसे काम करता है, क्विक शिफ्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। रियर सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको इसके अंदर रियर में सस्पेंशन के बारे में बात करूँ, तो आपको इसके अंदर मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एडजस्टेबल आप उसको अपनी नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जो कंपनी एडजस्ट देती है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एडजस्ट करके देती है, आप इसको ट्रैक पर भी चला सकते हो, नॉर्मल सिटी कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। फुटपैक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको इसके अंदर मेटल के फुटपैक्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अमेजिंग है, बिल्कुल बढ़िया फुटपैक आपको देखने को मिल जाएंगे। राइडर हो चाहे वो प्लेन हो, दोनों के लिए आपको मेटल के फुटपैक्स के अंदर देखने को मिल जाने वाले हैं। आगे चल के अगर मैं बात करूँ इसके रियर टायर के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और वाइड आपको इसके अंदर रियर में टायर देखने को मिल जाता है, टायर अगर के साथ आती है बाइक। रियर टायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ, तो आपको 140x70 सेक्शन का 17 इंचेस का आपको इसके अंदर रेडियल टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि आता है MRF रेव्स की तरफ से। MRF का टायर है, ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप कैसी भी कंडीशन में चलाओगे आपको ग्रिप जो है लूज़ नहीं होने वाली है बाइक के अंदर। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म के साथ ये बाइक आती है, यानी कि जो आपको हाईवे स्टेबिलिटी है बिल्कुल प्रॉपर देखने को मिल जाएगी, ट्रैक स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था रियर और फ्रंट दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। एक 155cc में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल रहा है, इतनी पावरफुल मशीन देखने को मिल रही है, आपको और क्या चाहिए। अगर आप उसकी टेल लाइट के अंदर कुछ ऐसे आपको उसकी टेल लाइट देखने को मिल जाती है, LED इंडिकेटर्स हैं। पहले काफ़ी सारे लोग जो है कंप्लेन करते थे कि आपको उसके अंदर LED देखने को नहीं मिलता, या मैंने आपको उसके अंदर LED भी दे दिए थे, और टेल लाइट प्रॉपर LED देखने को मिलती है। और जो R1 वाला एक लुक है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, एरोडायनामिक बनाने के लिए इसको R1 वाला लुक दे दिया प्रॉपर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये भी। इवन यहाँ पर आपको वेरिएबल वॉल एक्चुएशन की जो है यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। R15M का आपको यहाँ पे स्टिचिंग के साथ यहाँ पे सीट पे देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। ये तो स्टिकर नहीं है जो हट जाए, यहाँ पे स्टिच हो रखा है प्रॉपर, ये तो कभी भी ये हटने नहीं वाला है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाइक को और ज़्यादा प्रीमियम बनाती हैं, और ज़्यादा अच्छा बनाती है। आगे चल के अगर मैं बात करूँ इसके टैंक के बारे में, तो आपको उसके अंदर 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है,
काफ़ी अच्छा है। और अगर इसमें इसके माइलेज के बारे में बात करूँ तो अगर हमको 40-45 KMPL का माइलेज जो है बाइक प्रोवाइड कर देने वाली है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है यार। आपको 155 cc की एक पावरफुल मशीन मिल रही है जो आपको 40-45 KMPL का माइलेज भी प्रोवाइड कर रही है, तो काफ़ी अमेजिंग बात है। स्पोर्ट्स बाइक आपको इतना माइलेज प्रोवाइड कर रही है, बहुत अमेजिंग बात है। सिटिंग कम्फर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राइडर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वाइड और बड़ी सीट है, वहाँ पर ईजिली बैठ सकते हैं। कम्फर्ट आपको मैं मॉडरेट बोलूँगा, मीडियम आपको उसके अंदर कम्फर्ट देखूँगा, जैसे कि आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स बाइक है तो कम्फर्ट आपको उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। कम्फर्ट तो है नॉर्मल देखने को मिल जाता है, इवन जो पिलियन है उनके लिए भी आपको नॉर्मल कम्फर्ट देखने को मिलेगा। बट आपको उसके अंदर जो ये चीज़ है काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि ये काई के लिए दिया होता है। कभी ऐसा होता है कि अपनी बाइक कहीं फंस जाती है, ऐसा होता है तो अपन यहाँ से इसमें कहीं पकड़ने की जगह नहीं होती कि अपन बाइक को कहीं से पकड़ सके, क्योंकि फाइबर का पार्ट है। तो आप यहाँ से इसको ईजिली पकड़ सकते हो। आपको एक बार सही से दिखा देता हूँ, जैसे अब अगर मैंने हैंडल पकड़ रखा है, जैसे अगर मैंने इस मेरे अपने सीधे हाथ से अगर मैंने उल्टे हाथ से मैंने हैंडल पकड़ रखा हूँ, उसको पीछे करना और पीछे नहीं जा रही है, तो हम एक हाथ यहाँ रख के और एक हाथ से इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसको पीछे खींच सकता हूँ। तो ये देखो, ये पूरी बाइक अच्छा खासा है, देखो पूरी बाइक हिल जा रही है इससे। तो ये उसी के लिए होता है मेनली, तो बट काफ़ी सारे लोग उसको हटा देते हैं या यूज़ नहीं करते, वो लोग यहीं से पकड़ लेते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, क्योंकि पकड़ने को जगह नहीं, क्योंकि पूरा ये पूरा फाइबर है। और इसको पर्टिकुलर यहाँ से पकड़ के आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके ट्रांसमिशन के बारे में, तो आपको इसके अंदर 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 down एंड 5 up वर्क करता है, विद क्विक शिफ्टर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आपको इसके अंदर यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कनेक्टेड फीचर्स के साथ ये बाइक आती है। यहाँ पे आपको R15M का यहाँ पे अगेन एक स्टिकर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखने को मिल जाता है R15M को, यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाता है। स्विच गेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के स्विच गेट देखने को मिल जाएंगे। आपको हॉर्न का स्विच है, आपको इसमें सिंगल हॉर्न ही देखने को मिलता है, पहले डुअल हॉर्न देखने को मिलता है, सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर ये सेलेक्ट और मोड का बटन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेलेक्ट का बटन है जिससे आप जो है इसके मोड जो है चेंज वगैरह कर सकते हो यहाँ से। बाकी आपको मिरर्स इसके यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएंगे, तो हैंडल पे कोई मिरर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड जो है यहाँ पे इंजन किल स्विच और यहाँ पे सेल्फ का बटन इसके यहाँ देखने को मिल जाता है। एडजस्टेबल लीवर आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल लीवर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। हज़ार्ड का यहाँ पे स्विच दिया हुआ, हज़ार्ड आप यहाँ से कर सकते हो इसके अंदर। सेल्फ नीचे नहीं है, सेल्फ यहीं पर आपको दे रखा है इसलिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंस्ट्रूमेंट कस्टम में देखने को मिल जाएंगी। राइडिंग पोस्चर बिल्कुल स्पोर्टी आपको देखने को मिलता है, प्रॉपर आपको क्लिपॉन्स देखने को मिल जाएंगे। आप जब इसको राइड करोगे आपको एक स्पोर्ट्स बाइक वाली प्रॉपर फीलिंग आ जाने वाली है। आगे चल के अगर मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे यामाहा लिखा आता है, बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और यहाँ पे सभी ट्रेड लाइट्स को देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे RPM की लिमिट देखने को मिल जाती है, फ्यूल गेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओडो देखने को मिल जाएगा। तो अभी टाइमर ऑन हो रखा है, तो हम इसको नॉर्मल मोड में डाल दूँ, इसका सिटी मोड है, आपको किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, ट्रिप देखने को मिल जाएगा यार कितना और चलने वाली है, यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गियर इंडिकेटर है, ABS की लाइट है, टर्न इंडिकेटर है, आपको ABS के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों तरफ आपको दिख रही होगी। बाकी जितनी भी बैटरी का अगर हो गया या इंजन माल फंक्शन की लाइट हो गई, जितनी भी आपको सभी ट्रेड लाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऊपर यहाँ पर आपको RPM का लिमिटर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ पर लाइट जलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये बाइक को काफ़ी लाइट वेट बनाया गया है, इवन जो लुक रखे गए हैं बाइक काफ़ी अच्छे रखे हैं, फाइबर की क्वालिटी अच्छी है, बाइक को लाइट वेट बनाने की कोशिश करी, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दिया है, जो इवन जो पार्ट्स हैं उनको अच्छा रख के और लाइट वेट बनाया, ताकि जो पावर है पावर टू वेट रेशियो वो बाइक का काफ़ी अच्छा निकल के आए। एम वाले मॉडल की पर्टिकुलर वाले मॉडल की अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाती है 2.23 lakhs में ऑन रोड आपको ये देखने को मिल जाएगी, 2,23,000 में आपको अप्रॉक्स ऑन रोड देखने को मिल जाती है अभी यहाँ जयपुर में। वहीं अगर मैं बात करूँ वर्जन 4 के बारे में, जो ये वाला मॉडल आता है, जो M नहीं है, VV4 वाला जो मॉडल है, ये आपको देखने को मिल जाता है अराउंड 2,17,000 ऑन रोड, पर्टिकुलर ये वाला मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा V4 वाला। और जो S वाला है ये आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, मेरे को इसकी प्राइस अभी नहीं मिली, ऑनलाइन भी नहीं मिली, जो दिखा रहा था वो पुरानी दिखा रहा था, यहाँ पर शोरूम में कंफर्म कर सकते हो। शोरूम का नंबर और एड्रेस जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैंने इवन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, अपनी जो भी क्वारीज हो आप इनसे पूछ सकते हो। पर्टिकुलर S वाला मॉडल भी है यहाँ पे जो इनको रख रखा है इन्होंने, एक जो डार्क नाइट वाला आता है पर्टिकुलर, ये वाला जो प्रॉपर ब्लैक और गोल्ड कॉम्बिनेशन आता है वाला डार्क नाइट वाला, इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिल जाती है 2.19 lakhs में आपको ऑन रोड यहाँ पे अभी जयपुर में देखने को मिल जाएगी। इवन जो रेसिंग ब्लू आता है वो आपको देखने को मिल जाएगा 2.23 lakhs, और जो इंटेंसिटी वाइट है वो भी आपको इतने में ही देखने को मिल जाएगा। जो मोटो जीपी वाला एडिशन है वो आपको देखने को मिलता है 2.29 lakhs में, आपको मोटो जीपी वाला देखने को मिल जाता है, जो कि इससे जो नया वाला एनिवर्सरी एडिशन है, 90th एनिवर्सरी एडिशन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा 2.29 lakhs में। और पर्टिकुलर ये वाला जो मॉडल है M वाला, ये आपको देखने को मिलता है 2.23 lakhs में। तो यार ये तो मैंने कंपैरिजन कर दिया
इस पर्टिकुलर का, और मैंने आपको सभी की प्राइस लिस्ट के बारे में भी बता दिया। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि आपको पर्टिकुलर इन सब में से कौन सी बाइक पसंद है। या मैं इसमें से और किसी का भी रिव्यू करूँ, आप मुझे एम टी भी खड़ी हुई दिख रही है तो मैं एम टी का भी रिव्यू कर सकता हूँ। मुझे नीचे नीचे मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ यार, और लाइक करना इस वीडियो को, कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से वीडियोज़ ये बनाते हैं हम, काफ़ी मेहनत लगती आते हैं, बात करना पड़ता है, वेट भी करना पड़ता है आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी लाने के लिए भी। बाकी वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों से, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबा उसको घुसा मारो, मुकारो सब जाना चाहिए। शोरूम का नंबर एड्रेस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अब इससे पहले स्क्रीन पर भी शो हुआ था। आप कॉन्टैक्ट करो, जो भी क्वारी हो आप वहाँ पर बात कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा किसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस अमीगो साइनिंग ऑफ आर ब्लॉग्स।